मुलायम के परिवार के जितने भी सदस्य राजनीति में हैं, उनमें से ज्यादातर लखनऊ के बजाय संसद में दिखाई दिए। लेकिन लिस्ट में शिवपाल यादव इकलौते ऐसा नेता है जिन्होंने जसवंत नगर से बाहर कदम नहीं बढ़ाया और उत्तर प्रदेश की राजनीति तक खुद को सीमित रखा, जिसका नतीजा ये रहा कि जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तब अधिकतर पुराने समाजवादी दिग्गज नेता साथ में आ गए। 2017 का विधानसभा हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, सपा और प्रसपा दोनों को करारी हार उठानी पड़ी। मायावती के साथ गठबंधन भी काम नहीं आया। अब मुलायम सिंह एक बार फिर शिवपाल को समाजवादी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल सपा में वापसी के लिए तैयार नहीं है। यूपी के सियासी गलियारों में शिवपाल सिंह यादव एक बड़ा नाम है। वो यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। शिवपाल सिंह यादव का जन्म 6 अप्रैल 1955 को इटावा जिले के सैफई में हुआ। उनके पिता सुघर सिंह साधारण किसान थे। शुरुआती पढ़ाई गांव में ही करने के बाद शिवपाल ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैनपुरी से की, ग्रेजुएशन इटावा से किया और बीपीएड लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरा किया। शिवपाल सिंह यादव की खासियत ये थी कि वो बचपन से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। वो लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने, थाने और कचहरी में लोगों के काम कराने और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए खूब प्रसिद्ध रहे। शिवपाल 1994 से 1998 के दौरान यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष बने। 1996 में वो जसवंत नगर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े और भारी मतों से जीत हासिल की। 1996 से लेकर अब तक वो लगातार इस सीट से विधायक है। यूपी की मुलायम और अखिलेश सरकार के समय में शिवपाल ने कई अहम मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। मुलायम सिंह यादव, जानेश्वर मिश्रा, हरमोहन सिंह जैसे बड़े नेताओं की सभा कराने की जिम्मेदारी शिवपाल के कंधों में हुआ करती थी। मुलायम जब भी आंदोलन करते तो शिवपाल साइकिल के जरिए गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर धरना स्थल तक ले जाया करते थे। शिवपाल सिंह यादव को संगठन की राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने में शिवपाल का अहम योगदान है, इसलिए सपा के पुराने कार्यकर्ताओं पर शिवपाल की पकड़ बहुत मजबूत है। मुलायम सिंह यादव जब राजनीति में संघर्ष कर रहे थे तब शिवपाल मजबूती से उनके साथ खड़े थे। उन्होंने मुलायम से राजनीति सीखी, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि उनके मुलायम परिवार से संबंध अच्छे नहीं है। भतीजे अखिलेश से मतभेद होने के चलते शिवपाल यादव ने 31 जनवरी 2017 को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नई पार्टी बनाने का काम किया। 28 सितंबर 2018 को उन्होंने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की घोषणा कर दी और अब 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सपा नेता रामगोपाल यादव के बेटे और अपने भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतरे। जनता ने चाचा भतीजे के बजाय भाजपा के उम्मीदवार को अपना जनप्रतिनिधि चुना।